मोबाइल से तो हम व्हाट्सएप का यूज करके कोई भी फाइल सेंड कर देते हैं, लेकिन अगर कोई फाइल आपके पीसी में मौजूद है, आपके लैपटॉप में मौजूद है, उसे व्हाट्सएप से सेंड कैसे करें? उसे सेंड करने का सबसे इजी तरीका आई थिंक यही है कि आप अपने लैपटॉप पर ही व्हाट्सएप लॉगिन कर ले। लैपटॉप पर व्हाट्सएप लॉगिन करने के लिए आपको जाना होगा क्रोम ब्राउजर पर। क्रोम ब्राउजर में आप यहाँ पर एड्रेस टाइप करेंगे, साइट का नाम जो होता है वो हम यहाँ पर टाइप करेंगे कुछ web.whatsapp.com कुछ इस तरीके से, हिट करेंगे एंटर। लेकिन यहाँ हम वैसे लॉगिन नहीं करते जैसे आप कोई ईमेल आईडी वगैरह लॉगिन करते हैं, यानी कि ईमेल आईडी डाला, पासवर्ड डाला और लॉगिन हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ थोड़ा अलग तरीके से लॉगिन किया जाता है। यहाँ आपको व्हाट्सएप का एक क्यूआर कोड मिलेगा जो आपको स्कैन करना है अपने फोन में मौजूद व्हाट्सएप से। अब फोन में इसे कैसे करना है वो देखिए। फोन में आप जाएंगे अपने व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ ऊपर कॉर्नर में 3 डॉट्स नजर आएंगे, जहां से आप अपने ऑप्शन या मेन्यू वगैरह ओपन करते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं तो एक छोटा सा मेन्यू ओपन होता है जिसमें आपको ऑप्शन मिलता है लिंक्ड डिवाइसेस, उस पर क्लिक करेंगे। लिंक डिवाइसेस पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज सामने ओपन होता है और कहता है यूज व्हाट्सएप ऑन अदर डिवाइसेस। अदर डिवाइसेस पर व्हाट्सएप यूज करने के लिए हम यहाँ से डिवाइस लिंक करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करेंगे, लिंक ए डिवाइस, क्लिक। अब हमारा कैमरा ओपन हो चुका है तो हम इससे करेंगे स्कैन अपना क्यूआर कोड जो हमारी लैपटॉप की स्क्रीन पर मौजूद है, ठीक है। इसको ऐसे स्कैन करेंगे और ये लॉगिन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आ गया लॉगिंग इन और ये देखिए हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर भी हमारा अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट लॉगिन हो रहा है, हमारी चैट्स वगैरह लोड हो रही है। ये देखिए अब हमारे लैपटॉप पर भी हमारा व्हाट्सएप लॉगिन हो चुका है। अब आपको किसी को भी कोई भी फाइल सेंड करनी है या कुछ भी मैसेज करना है, नॉर्मली चैटिंग भी करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको बस अपना कॉन्टेक्ट चूज करना है कि किसके साथ आप चैट करना चाहते हैं या किसे आप फाइल या कोई भी डॉक्यूमेंट सेंड करना चाहते हैं। यहाँ आप उसे सर्च भी कर सकते हैं, जैसे मुझे यहाँ पर लोकेश को कोई फाइल या कोई मैसेज करना है तो आप यहाँ पर उसका नाम लिख देंगे। तो मैंने लिखा लोकेश और उसका यहाँ पर कॉन्टेक्ट जो है आ गया, व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट आ गया। इस पर आप क्लिक करेंगे तो अब आप यहाँ से चैट कर सकते हैं या कोई भी फाइल या डॉक्यूमेंट उसे सेंड कर सकते हैं। आप यहाँ से सीधा मैसेज कर दीजिए अपने कीबोर्ड से टाइप करके, या आप कोई फाइल भी उसको सेंड कर सकते हैं अपने पीसी से। कैसे करेंगे वो देखिए, आप यहाँ से भी कर सकते हैं जैसे आप अपने मोबाइल में करते हैं। यहाँ से कोई भी डॉक्यूमेंट चूज कर सकते हैं और ब्राउज करके सेंड कर सकते हैं, या आप सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, यानी कि आप अपने पीसी में जाएंगे जहाँ आपकी फाइल सेव है और अपनी फाइल ऐसे क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे, अपने क्रोम ब्राउजर पर जाएंगे जहाँ आपने व्हाट्सएप ओपन किया हुआ है और इस कॉन्टेक्ट पर लाकर छोड़ देंगे और ये यहाँ पर कॉपी हो जाएगा और अब आप इसे सेंड कर सकते हैं। आपको बस क्लिक करना है ये बटन सेंड और वो फाइल सामने वाले के पास व्हाट्सएप के जरिए सेंड हो जाएगी। और जब आपका काम खत्म हो जाए, अब आप नहीं चाहते कि आपका व्हाट्सएप अकाउंट इस लैपटॉप पर, इस पीसी पर लॉगिन रहे, तो आपको क्या करना है, आपको इन 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है लॉग आउट। क्लिक करेंगे लॉग आउट एंड देन कंफर्मेशन के लिए एक बार फिर से पूछेगा तो आप करेंगे लॉग आउट और आपका व्हाट्सएप अकाउंट अब इस लैपटॉप से, इस पीसी से लॉग आउट हो चुका है। अब फिर से पहले के जैसे आपका व्हाट्सएप सिर्फ आपके मोबाइल पे चल रहा है। तो जब भी काम पड़े, पीसी से कोई फाइल आपको सेंड करनी पड़े, तो आप पीसी पर ही ऐसे व्हाट्सएप लॉग इन कर सकते हैं और कोई भी मैसेज या फाइल ऐसे सेंड कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें आपने सीखा कि कैसे आप अपने लैपटॉप या पीसी पर व्हाट्सएप लॉग इन कर सकते हैं और पीसी में मौजूद कोई भी फाइल व्हाट्सएप के जरिए सेंड कर सकते हैं। अगर आपको आज की हमारी क्लास यानी कि वीडियो पसंद आई, लाइक कीजिए, और अगर आप पढ़ने लिखने के इस सफर पर हमारे साथ ऐसे ही बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने सवाल और सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। जल्द मिलेंगे आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक जो सीखा उसकी प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय।